जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने थाना खोराबार और चौरी चौरा में पहुंचकर शिकायतों के निस्तारण कराया और गुणवत्ता को भी देखा। इस दौरान अधिकारियों ने वहां उपस्थित जनता की शिकायतों को भी सुना और पुलिस अधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौरी चौरा शहीद स्मारक के विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय एवं शहीद स्मारक को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा तथा शहीद स्मारक में महापुरुषों एवं शहीदों की मूर्तियों को भी ठीक कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। क्या नपा है? क्या नपा है? नंबर भी नहीं पता, कौन सी नपाई कर लिया? बड़े कौन सी नपाई, क्या लिखा है? जमीन नपाई हुई, कौन सी नंबर है वही तो बता नहीं पा रहे। हाँ, सबको नहीं पता यार कौन से नंबर में हुआ है, उसको कैसे हाल करेंगे तुम्हें? अरे किसको नहीं पता यार, कहाँ दर्द है, कहाँ से इलाज करो बताओ। पुराना घाटा है, ये नया चक्कर पुराना घाटा यहाँ पे सर, यहाँ का मूर्ति मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा थाना खोराबार और थाना चौरी चौरा का जो थाना समाधान व्यवस्था उसका विजिट किया गया और जो जमीन संबंधित कंट्रेक्टर थे जो कि पूर्व से भी लंबित थे उनमें भी जो कंप्लेनेंट्स थे उनको बुलाया गया। जो आज कंप्लेनेंट्स आए वो तो थे ही, उनके अतिरिक्त पुराने कंप्लेनेंट्स जो पेंडिंग हम लोग के पास दरखास्त थी उन सबका निस्तारण करने का यथासंभव यथाशीघ्र प्रयास किया गया और राजस्व और पुलिस की जहाँ जहाँ ज्वाइंट टीमें थी अभी कई जगह निकली भी हैं और भी निकल रही हैं। पूरे ज़िले के अंदर ये कराया गया था जहाँ पे प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से जो जमीन संबंधी प्रकरण है उसके निस्तारण का प्रयास किया।